हेलो गाइज, आज मैं आपको टुल्लू पंप 1 HP का क्रम्पटन कंपनी का वाइंड करने सिखाऊंगा, जो कि ये जेन्युइन थ्योरी बताऊंगा आपको, और बिल्कुल ओके चलेगा, आसान, बिल्कुल आसान थ्योरी में और बिल्कुल जेन्युइन थ्योरी में आप किसी तरह भी इसको आराम से वाइंड कर सकते हैं। पहले हमने ये मोटर को कटाई करना है कुछ इस तरह से। ये हमारी चोरसी है जो कि वाइंडिंग कटने के लिए काम आती है। ये देखिए, बड़ी स्पीड से वाइंडिंग इसके साथ आराम से कट जाती है और बड़ी आराम से ये मोटर फट जाती है। कुछ इस तरह से काटिए, अब देखिए, अब हमारी वाइंडिंग बिल्कुल सफाई से कटी है और बहुत अच्छी तरह से कटी है। ये देखिए, अब ये देखना, अब हमारी वाइंडिंग देखिए, अब ये एक पेंचकस है जो कि आगे से नुकीला नहीं है, और इसकी सहायता से हमने ये मोटर की वाइंडिंग पूरी निकाल लेनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए, और हम आपको अब इसकी थ्योरी बताते हैं। पहले हमने ये मोटर की लंबाई बताएंगे पहले आपको, और मोटर की गोलाई बताएंगे, जो कि मोटर की लंबाई है इसकी 1 इंच। मोटर की लंबाई है जो कि 2 इंच 1 सूत, और मोटर की गोलाई है 2 इंच। ये क्रम्पटन की टुल्लू पंप है 1 HP का। अब हमारी कॉइल लगनी शुरू हो गई है। इसकी रनिंग की वायर हमारी 25 नंबर तार है और तीन तीन के सेट हैं। 25 नंबर तार है, तीन तीन के सेट हैं, 80 टर्न है। ये 80 टर्न है, और पिच रहेगी हमारी 1:8, 1:10, 1:12। इस पिच में बंधेगी, और 2800 RPM की मोटर है। अब हमारी कॉइल लगन लग रही है। अभी मैं आपको वाइंड करके दिखाऊंगा आपको रनिंग। ये हमारी तो मोटर अभी हमने बिल्कुल काट दी है, और अब हम इसको वाइंड करके दिखाएंगे। अब हमारी कॉइल लग चुकी है, ये देखिए, ये 25 नंबर वायर है और 80 80 टर्न है। बीच में 6 पिच छोड़ के तो ये मोटर वाइंडिंग डालनी होती है हमने। ये देखिए, हमने 6, और बड़ी आराम से वाइंडिंग हो रही है ये, और बिल्कुल ओरिजिनल थ्योरी है। ये देखिए, बड़ी आसानी से वाइंडिंग होने लग रही है। और अब मैं बताता हूँ आपकी स्टार्टिंग की, बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग इसकी है 26 नंबर वायर, और टर्न रहेंगी 85 85 85, मतलब 85 85 85, तीनों में 85 85 टर्न लगनी है, और 26 नंबर वायर रहेगा। अब हम पहले रनिंग को डाल लेते हैं। जो पहले कॉइल डलती है उसको रनिंग बोला जाता है, जो बाद में डलेगी उसको स्टार्टिंग बोला जाता है। ये मोटर 2800 RPM में है, और ये 1 HP का टुल्लू पंप है जो कि क्रम्पटन कंपनी का है। ये देखिए, अब लगभग हमने रनिंग कंप्लीट कर ली है, एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है।
हम आपको दूसरा सेट फिर डाल के दिखाएंगे। ये देखिए, अब हमारा दूसरा सेट चालू हो गया है। और ऐसा है, कभी बार ये वायर उड़ जाती है, स्केल की मदद से इसको सीधा कर लें, मोटर टाइट होती है ये, इस करके स्केल को अच्छी तरह टाइट कर लें। अब हम इसकी रनिंग के पहले धागा लगाना होता है हमने, ताकि जो कि प्लास्टर लगावांगे हम उस पे तार बीच में ना आए और अच्छी तरह रह जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने ये धागा लगा के अभी प्लास्टर लगाएंगे हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए, अब हमने प्लास्टर लगा लेना है, और प्लास्टर हमने दो बार लगाना है इसमें, क्योंकि एक बार में हमारी प्लास्टर में कोयल कवरिंग नहीं होती। ये 1 इंची प्लास्टर होता है ट्रेंटी कंपनी का, जो कि ये पिंक प्लास्टर है, ये शॉर्ट नहीं होने देता, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हम जो व्हाइट प्लास्टर लगाते हैं उसमें शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये पिंक प्लास्टर हमने कभी भी शॉर्ट होने नहीं देता मोटर को। ये देखिए, दो बार में करके लगाना होता है और बहुत अच्छी तरह से लगाना होता है। ये देखिए, अब ये प्लास्टर लग चुका है, लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसमें स्टार्टिंग डालेंगे और कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको। आप बढ़िया आसानी से इसमें स्टार्टिंग डाल सकते हैं। ये देखिए, ये अब हम स्टार्टिंग को पूरी तरह से लगभग हमारी स्टार्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लास्ट वाला सेट डाल देते हैं। ये देखिए, ये हम वाइट पेपर इस्तेमाल करते हैं 7 नंबर का, जो कि वाइंडिंग पेपर होता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर लेके आते हैं। ये देखिए, स्केल की मदद से हमने तार अंदर लगा लो, और अब हमने स्टार्टिंग भी लगभग कंप्लीट कर दी है। अब उसी तरीके से हमने धागा लगाना है, ताकि अच्छी तरह वायर सेट रह जाए। और अब हम इसको जो ज्वाइंट होते हैं वो फूक लेते हैं वायर के। हम इकट्ठे सेट लगाते हैं, हम अलग अलग सेट नहीं लगाते, इसमें हमारे जोड़ नहीं बनते। अब जो जोड़ बना है हमारा, वो मैन निकालने के लिए ही बना है, अदरवाइज किसी भी मोटर में हमारा जोड़ नहीं होता, क्योंकि हम जितने भी सेट होते हैं मोटर के वो सब इकट्ठे बनाते हैं, और मोटर में जोड़ नहीं होगा तो मोटर की उम्र ज़्यादा हो जाएगी। लगभग हमेशा देखने को आता है कि जो ज्वाइंट है वही हमारा खराब होता है। अब ज्वाइंट इतनी टाइट लगाओ कि हमारा ये खराब ना हो। अब प्लास की सहायता से जो ज्वाइंट लगे हैं उनको अच्छी तरह टाइट करो, और कोशिश करो स्लीव बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की लगाएं। स्लीव पे पूरी दारमदार है, अगर स्लीव हल्की होगी तो मोटर जल्दी शॉर्ट हो जाएगी। स्लीव को हल्की मत लगाओ, अच्छी क्वालिटी की स्लीव लगाओ। ये देखिए, लगभग हमारी मैन भी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आपको पूरी
पूरी थ्योरी भी बता दी है इसकी, ये बिल्कुल ओरिजिनल थ्योरी है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, रनिंग तार नंबर 25 रहेगा, स्टार्टिंग तार नंबर 26 रहेगा, रनिंग की टर्न हमारी 80 रहेंगी और स्टार्टिंग की टर्न 85 रहेगी, ये आपने ध्यान देना है। और एक बार फिर इसकी गोलाई बताता हूँ मैं आपको, 2 इंच एक सूत की गोलाई रहेगी और 2 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। ये देखिए अब हमने धागा भी कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मोटर वाइंड कर दी गई है, वरना हम इसको पूरी अच्छी तरह दिखाते आपको, वैसे तो दिखाई दिया है, और स्पीड ना बढ़ाते तो ये करीबन आधे घंटे की वीडियो बन जाती, इस करके आपको थोड़ा स्पीड में करके दिखाया गया है। ये देखिए अब हमारी मोटर लगभग कंप्लीट तैयार हो चुकी है। किसी भी भाई ने कोई जानकारी देनी है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और किसी ने कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कोई भी भाई अपनी समस्या में बता सकता है मोटर वाइंडिंग के बारे में, लगभग हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है मोटर वाइंडिंग का, और ले हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।